हेलो फ्रेंड, वेलकम टू निजुक्ति ओडिशा यूट्यूब चैनल। आईडीबीआई बैंक तरफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट रो वैकेंसी बाहरी। यही पोस्ट को अप्लाई करने कौन कौन एलिजिबिलिटी गाइडलाइन रही, यही पोस्ट को आपन अप्लाई केबेठू करि परिबे, सिलेक्शन प्रोसीजर केमिते रहिबो, एही विषय में आपको संपूर्ण सूचना देवी। ता पूर्व जदि आपन ए चैनल नुआ अछंती, ए चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु और बेल आइकन प्रेस करबा को भूलंतु नै। चलंतु एही पोस्ट विषय डिटेल्स जानिबा। फ्रेंड, ये जो देखते e-niyukti.in निजुक्ति ओडिशार वेबसाइट रही है, डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी, डायरेक्ट क्लिक करेंगे आपसे पहुंची पारे। नचे आप गूगल सर्च करेंगे e-niyukti.in जो वेबसाइट आप प्रथम आसेट क्लिक करें पोस्ट में पहुंची पारे। ये मैं शो कर आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर रिक्वायरमेंट 2023 नोटिफिकेशन शो कर पोस्ट को अप्लाई करने कौन कौन एलिजिबिलिटी गाइडलाइन रही, एप्लीकेशन फी, एज लिमिट, कैटेगराइज के वैकेंसी रही, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन दरकार, एग्जाम पैटर्न डिटेल्स चेकआउट करेंगे। ये आप रही है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आर एप आप क्लिक करेंगे, क्लिक कलापर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड हो। आईडीबीआई बैंक तरफ आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन रही है, ये रही है एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2324 आप एडवर्टाइजमेंट नंबर रही है। एडमिशन टू आईडीबीआई पीजीडीबीएफ आप 2023-24 आप एडमिशन आप वैकेंसी रही। ये आप जोन रही है, सब जोन में आप वैकेंसी भुवनेश्वर भी आप रही है, भुवनेश्वर आप ओडिशा चंडीगढ़ आप भुवनेश्वर जोन में आप वैकेंसी रही। ये आप वैकेंसी पोजिशन देसी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आप ग्रेजुएशन करते आप ये पोस्ट को अप्लाई करेंगे। एज लिमिट रखाई है 20-25 वर्ष आप एज लिमिट रखा है। एज लिमिट काउंट हम 31/8/2023 आप एज लिमिट काउंट कर 31/8/2023 सुधा आप 20 वर्ष कम्प्लीट होता दरकार, आप 25 वर्ष आप कम्प्लीट हो दरकार। नंबर अफ वैकेंसी रही है, टोटल नंबर पोस्टर वैकेंसी रही है 600 पोस्टर वैकेंसी रही। अनरिजर्व 243टा अच्छी, एससी 90टा, एसटी 45टा, ईडब्ल्यूएस 60टा, ओबीसी 162टा पोस्टर वैकेंसी रही। आप देखिए कट ऑफ डेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज एंड क्वालिफिकेशन, जहाँ आप एज मांगी से एज आप कट ऑफ डेट रखाई 31/31/2023 रखाई है। जहाँ आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगे से क्वालिफिकेशन आप 31/31/2023 पास आउट होता दरकार। ऑनलाइन अप्लाई जो स्टार्ट होती सेप्टेम्बर 15/2023 स्टार्ट होती, लास्ट डेट रहा सेप्टेम्बर 30/2023 जाए रो। टेंटेटिव डेट रखा है, ऑनलाइन टेस्ट आप रिटर्न टेस्ट जो कहा ऑनलाइन आप टेंटेटिव डेट रखा है 20/2023 आप टेंटेटिव डेट आप रखाई। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप कही आप ग्रेजुएशन करेंगे तो आप पोस्ट को अप्लाई करेंगे। पासिंग ओनली डिप्लोमा कोर्स विल नॉट बी कंसीडर्ड एज क्वालिफाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप कंप्यूटर आप भल नलेज थोड़ा दरकार, ये आप लगे खाली आप सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स सर्टिफिकेट आप कले आप एलिजिबिलिटी धरा जब नहीं। कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हाव प्रोफेशन कंप्यूटर, आप कंप्यूटर में भल भाव आप एक्सपीरियंस थोड़ा दरकार, कंप्यूटर आप नलेज थोड़ा दरकार। प्रोफेशन्स इन रीजनल लैंग्वेज विल बी प्रिफर्ड, प्रोफेशन्स इन रीजनल लैंग्वेज विल बी प्रिफर्ड। आप जो जोन पे अप्लाई कर जो रीजनल लैंग्वेज रही से लैंग्वेज आप भल भाव आप पढ़ी पार्थ्वा कही पार्थ्वा भल भाव बुझी पार्थ्वा दरकार। एज लिमिट आप मुझे 20-25 आप एज लिमिट रखाई है। आप जन्म होता दरकार 31/8/1998 31/8/2003 भितर आप जन्म होता दरकार। आप यदि एससी एससी कैटेगरी बिलंग्स करते हैं आप 5 वर्ष एजुकेशन मिल जाए, ओबीसी 3 वर्ष, पीडब्ल्यू कैटेगरी होते 10 वर्ष आपको एजुकेशन मिल जाए। हाउ टू अप्लाई आप देखिए केमी आप पोस्ट को अप्लाई करेंगे, आप अप्लाई प्रोसेस आप पोस्ट आप एक्जामिनेशन फी आप रखाई एससी एसटी पीडब्ल्यू कैटेगरी 200 टका एप्लीकेशन फी रखाई। आपंकर आउ जो कैटेगरी रही है अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 1000 टका आप एप्लीकेशन फी प्लस इंटरव्यू चार्जेस आप रखाई। हाउ टू अप्लाई देखिए कमी आप पोस्ट को अप्लाई करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको देदेगी। जदि आप हाउ टू अप्लाई वीडियो दरकार, केमी आप पोस्ट को अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप वीडियो दरकार, ये वीडियो कमेंट में कमेंट करूँ, जब बेसी कमेंट आसला मुझे वीडियो बनईदेवी। आउ जहाँ जहाँ सब इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन रही है भल भाव चेकआउट करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेसर रहिबो, द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंप्राइज ऑफ ऑनलाइन टेस्ट फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड इन द ऑनलाइन टेस्ट। द ऑनलाइन टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव नेचर, द डिटेल्स ऑफ द सेम फर्निश्ड हियर अंडर। आप जो सिलेक्शन प्रोसेस रहिबो आप ऑनलाइन टेस्ट कहपर आप ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाई करापे आप पर्सनल इंटरव्यू कहपर आप डॉक्यूमेंटेशन आपको जॉइनिंग दिया जाए। आप जो रिटन टेस्ट रहिबो ऑनलाइन टेस्ट रहिबो ऑब्जेक्ट टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप रहिबो। नेम ऑफ द टेस्ट आप देखिए लॉजिकल रीजनिंग डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 60 क्वेश्चन 60 मार्क रहिबो। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क आसिबो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 40 मार्क रहिबो।
जनरल इकोनोमी बैंकिंग आउ नेसु छाटे क्वेश्चन छाटे मार्क करबो टोटल जो आपन को एग्जाम को आजु 200टा क्वेश्चन आसु 200 मार्क आपन एग्जाम को आजु 2 घंटा टाइम ड्यूरेशन आपन को दिया जाउ आपन जे एटा आपन ऑनलाइन टेस्ट आपन को आजु एतर आपन नेगेटिव मार्किंग रहै छी गोटे क्वेश्चन आपन भूल करले 0.25 मार्क आपन डिडक्ट करा जिवो ए प्रकार एग्जाम से सेंटर आपन दे छी ऑनलाइन टेस्ट जो रहइबो ऑनलाइन टेस्ट आपन को सेंटर आपन रहै आपन दे छी भुवनेश्वर बे आपन भुवनेश्वर रहै छी कटक रहै छी ढंकाना राउरकेला संबलपुर एज बालेश्वर ए जगह आपन एग्जाम आपन रखा है ओडिशा जो पिला अप्लाई करेंगे ये एग्जाम आप दे पारे प्रोग्राम फी गोटे आप रखा है आप जॉइनिंग करेंगे जब आप सिलेक्शन होती आप जॉइनिंग करेंगे वन ईयर आप ट्रेनिंग रही है वन ईयर ट्रेनिंग फी आप रही है प्रोग्राम फी 3 लाख टाइम आपको देवा पड़ेगा वन ईयर भितर आपको 3 लाख टाइम देवा पड़ो टू बी पेड बाय द स्टूडेंट इन इंस्टॉलमेंट एज पर द फिक्स शेड्यूल ड्यूरिंग द वन ईयर प्रोग्राम आप वन ईयर प्रोग्राम भितर आप इंस्टॉलमेंट द्वारा आपको 3 लाख टाइम आपको देवा पड़ो आप 3 लाख टाइम देते आप निजे ओन अरेज कर ना आप फाइनेंसिंग लोन ऑप्शन आपंपरेंगे बैंक आपको एजुकेशन लोन दबो ना फाइनेंसिंग फाइनेंस कर सिलेक्ट कैंडिडेट कैन फाइनेंस द कोर्स फी बाय अवेलिंग एजुकेशन लोन इफ दे सो डिजायर व्हिच विल बी ग्रांटेड बाय आईडीबी बैंक एज पर द एग्जिस्टिंग एजुकेशन लोन स्कीम आईडीबी बैंक जो आप एजुकेशन लोन स्कीम रही है लोन स्कीम आपको एजुकेशन लोन भी आपको मिल जाए ये जो 3 लाख टाइम पे करेंगे आप एजुकेशन लोन भी आप आईडीबी बैंक आप नहीं पारे ओन आरेज करेंगे ना आप एजुकेशन लोन आप नहीं पारे आईडीबी बैंक आपको प्रोवाइड कर जो स्टाइपेंड मिलो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड 6 मंथ 6 मंथ जाए आप जॉइनिंग करेंगे जॉइनिंग 6 मंथ जाए आपको 5000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिल आप 5000 पर मंथ 6 मंथ जाए पाइबे जो आएगा 7th मंथ 8 मंथ आप इंटर्नशिप पीरियड से रोज से आप 15000 पर मंथ आपको कौन मिले ना इंटर्नशिप आप स्टाइपेंड मिल 6 मास जाए आप 5000 पर मंथ पाइले 6 मास रोज 7 मास 8 मास जो आप 2 मास रहा से आप 15000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिल इंटर्नशिप पीरियड एटा रहा आप 6-2 8 मास आप चलेगला 8 मास आप फास्ट 6 मास आप ट्रेनिंग रोपर रोक इंटर्नशिप आप 8 मास चलेगला आउ जो 4 मास रहा PGDBF कोर्स जो आप जॉइनिंग कले आज 4 मास रहा 4 मास ऑन जॉब ट्रेनिंग आपको मिलो ब्रांच जाए बैंक ब्रांच जाए ऑफिस जाए आप ऑन जॉब ट्रेनिंग आपको मिल ट्रेनिंग कंप्लीट कर सारा आफ्टर जॉइनिंग द बैंक सर्विस एज जूनियर असिस्टेंट मैनेजर आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर सारापर आपको जूनियर असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट आपको कौन कर जॉइनिंग दिया जाए ग्रेड जो रहा ग्रेड आप ओ ग्रेड आप ऑब्जेक्ट टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ PGDBF कोर्स कंपेनसेशन CTC वुड रेंज बिटवीन 6.14 लाख टू 6.50 लाख एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग आप जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट जॉइनिंग करेंगे आफ्टर वन ईयर पर आप जो CTC रोक 6.14 लाख रु 6.50 लाख भितर आप रो पर मंथ आप मिल 50000 अधिक आपको सैलरी आपको मिल ग्रेड ओ ऑफिसर शैल बी एलिजिबल फॉर TADA लोकल कन्वेंस सब्सिडाइज्ड लॉन्च फैसिलिटी विजिटिंग ऑफिसर फैसिलिटी इन लाइन विथ फैसिलिटी लिमिट एप्लीकेबल टू ग्रेड ए ऑफिसर ऑफ द बैंक आपको यही सब फैसिलिटी आपको मिले टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट पोस्टिंग आप चेकआउट करेंगे आप सर्विस बंद कर 3 वर्ष आप जॉइनिंग कला 3 वर्ष आप सर्विस बंद आप 2 लाख टाइम सर्विस बंद आप करेंगे एनेक्सर वन आप फोटोग्राफ सिग्नेचर थम इंप्रेसन हैंड इंडिकेशन जब आप अपलोड करते साइज आप रहा दरकार कौ फर्माट रहा दरकार आप चेकआउट करेंगे फोटोग्राफ जो सैज रहा दरकार आप फोटोग्राफ सैज रहा दरकार 20 KB 50 KB आप फोटोग्राफर सैज रहा दरकार JPG फर्माट रहा दरकार एट आप लिखी मेक्स योर दैट द पिक्चर इज कलर टेकन एग्नेस्ट लाइट कलर प्रिफरेबल व्हाइट बैकग्राउंड आपंकर लाइट कलर रहा दरकार ना आप प्रिफरेबल कर व्हाइट बैकग्राउंड रहा आप बेटर रही है आप सिग्नेचर लेफ्ट थम इंप्रेशन हैंड डिक्लेरेशन आप सैज देती आप सिग्नेचर जो आप अपलोड करेंगे सिग्नेचर सैज 10 KB 20 KB भर आप सिग्नेचर सैज रहा दरकार JPG ना JPG फर्माट रहा दरकार सेमती आप थम इंप्रेशन सैज आप थम इंप्रेशन सैज आप 20 KB 50 KB सैज रहा दरकार सेम फर्माट रहा दरकार हैंड डिक्लेरेशन आप 50 KB 100 KB भर हैंड रिटन डिक्लेरेशन आप रहा दरकार JPG फर्माट रहा दरकार ए हैंड डिक्लेरेशन आप कौट पाए इनिजुक्ति .in साइट विजिट करेंगे आप शो कर हैंड रिटन डिक्लेरेशन 8 हो जाए आप लिखे जहाँ आप लिखा है 8 आई फुल नेम आप लिखे और जहाँ लिखा है आप निज हैंड रिटन व्हाइट पेपर आप ब्लैक पेन लिखे जहाँ आप लिखे 8 हो जाए लिखे आप स्कैन करेंगे तब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे हैंड रिटन डिक्लेरेशन आप अपलोड करेंगे हैंड रिटन डिक्लेरेशन साइज रहा दरकार 50 KB 100 KB भर रहा दरकार JPG फर्माट रहा दरकार जहाँ जहाँ सब इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन रही है भल भाव चेकआउट करेंगे ये जो PDF देखते PDF आप इनिजुक्ति .in साइट भिजिट करेंगे आप PDF डाउनलोड करेंगे भल भाव रिडआउट करेंगे IDBI बैंक तरफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट ऑफ वैकेंसी विषय में आपको संपूर्ण सूचना दे सारी जदि आप मन में किसी डाउट अच्छे
कमेंट सेक्शन में पचारंतु ए भिडियो आपन भल लागिथिले ए भिडियो को लाइक करंतु आपन फ्रेंड मानसु शेयर करंतु ए चैनल को सब्सक्राइब करया भूलंतु। धन्यवाद।